हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ तृप्ति सक्सेना और तृप्ति की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ स्टिर फ्राई वेजीज। जी हाँ, ये वेट लॉस रेसिपी है और इसके पहले भी मैंने बहुत सारी वेट लॉस रेसिपीज बनाई हैं जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं या फिर मेरी प्लेलिस्ट में जा कर के भी सर्च कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं किचन में और बनाते हैं इस मज़ेदार रेसिपी को। आइए चलते हैं। वेट लॉस रेसिपी बनाने के लिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके से बड़े से बाउल में आप है ना पानी को बॉईल करें और साथ में मैंने डाली ब्रोकली और अब मैं डाल रही हूँ इसमें मशरूम। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी मैं इसमें डालूंगी ये सारी वेट लॉस रेसिपी से रिलेटेड हैं। साथ में मैं डाल रही हूँ पालक के कुछ पत्ते। आप अगर पालक खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, बट जिस तरीके से मैं बता रही हूँ ना तो आप है ना पालक क्या सभी चीज़ें खाना शुरू कर देंगे। तो ये देखिए अच्छे से बॉयल आ गया, इसे हम निकाल लेते हैं, गैस बंद कर देते हैं। अब हम दोस्तों एक पैन में ले लेते हैं इस तरीके से ऑयल। आप चाहें तो देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ एक चम्मच जीरा। जीरा क्रैकल होने के बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज के कुछ टुकड़े इस तरीके से। तो प्याज को मैंने चार भागों में काट करके उसे अच्छे से इनकी पंखुड़ियाँ खोल दी हैं। आप चाहें तो स्लाइस करके भी इन्हें काट के डाल सकते हैं। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इन्हें गोल्डन ब्राउन होने देंगे। तो ये हल्का सा कुक हो जाएंगे 1 से 2 मिनट के लिए, इन्हें अच्छे से हम कुक करेंगे। अब उसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक के टुकड़े। ये देखिए ये बारीक कटा हुआ अदरक है, ये मैंने 1 चम्मच के बराबर ले लिया है, इसे भी हम इसमें डाल देंगे और इन्हें भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ ना, इस तरीके से जब आप बनाएंगे तो आप क्या बच्चे भी खाना शुरू कर देंगे। ये इतनी बढ़िया लगती है रेसिपी कि मैं आपको क्या बोलूं। और जो लोग वेट लॉस में कहते हैं ना कि बेकार होता है, वेट लॉस करना बेकार है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वेट लॉस की रेसिपीज खाना और भी अच्छा रहता है। तो ये मैंने डाल दिया है लहसुन के कुछ टुकड़े, ये देख सकते हैं आप, तो बारीक कटा हुआ लहसुन डाल दिया है। और साथ में अब हम डाल रहे हैं इसमें गाजर इस तरीके से लंबे लंबे टुकड़ों में। आप गोल भी काट सकते हैं, आपकी चॉइस के ऊपर है, या आप बारीक भी डाल सकते हैं। तो जो बच्चे गाजर खाना नहीं पसंद करते वो भी गाजर खाना शुरू कर देते हैं। साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ मटर। तो ये सब चीज़ें मैंने 1 कटोरी के बराबर ले रखा है, तो ये मैंने मटर डाल दिया है। अगर आपके घर पे मटर नहीं है तो आप स्किप कर दीजिएगा, जो वेजीज हैं आप उसको ज़रूर डालें। और अब हम क्या करेंगे, इन्हें भी अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, मेरी आवाज़ पर मत जाइएगा, मेरा इस टाइम गला बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो रखा है, फिर भी मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, वरना लोग कहने लगते हैं कि आपके वीडियोस है ना बहुत लेट आते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसमें और भी चीज़ें डालेंगे। तो जैसा जैसा मैं बता रही हूँ ना वैसा वैसा बनाइएगा। वेट लॉस करने में बहुत से लोग कतराते हैं, अरे यार बहुत सादा खाना होता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, आप उसमें ट्विस्ट भी डाल सकते हैं। और ये देखिए अब हमने इसमें क्या करना है, कुछ शिमला मिर्च डाल देंगे। तो ये मैंने शिमला मिर्च डाल दी, यानी कि कैप्सिकम। आप चाहें तो रेड वाली कैप्सिकम बेल पेपर भी डाल सकते हैं और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए कुछ इस तरीके से। तो ये देखिए वेजीज कितनी सुंदर लग रही है ना देख करके, वाओ। और अब हम इसमें डालेंगे ब्रोकली, साथ में डालेंगे इसमें उबला हुआ यानी कि बॉयल किया हुआ मशरूम, तो ये भी हमने इसके अंदर डाल दिया है। और पालक के पत्ते भी डाल दिए हैं, ये आप देख सकते हैं, और इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पालक के पत्ते जो मैंने डाले हैं, तो बहुत से बच्चे ना पालक खाना पसंद नहीं करते हैं, पर इस तरीके से जब आप उन्हें खिलाएंगे ना तो वो अच्छे से खाना शुरू कर देंगे। अब हम इसमें डाल रहे हैं टमाटर। टमाटर डालने के बाद हम इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। तो जो भी चीज़ आप डालते जाएं उन्हें मिक्स करते जाएं, तो उससे क्या होता है फ्लेवर सब जगह पहुँचता है। साथ में अब हम इसमें डालेंगे ऑरेगैनो, जिससे कि आपके बच्चे बहुत अच्छे से इंजॉय करके खा सकें। तो ये मैंने डाल दिया है ऑरेगैनो। और अब हम इसमें डालेंगे गार्लिक ब्रेड। आपके पास अगर गार्लिक पाउडर इस तरीके से नहीं है तो आप स्किप कर दीजिएगा, है तो ज़रूर डालिएगा। तो मैंने ये भी डाल दिया है, साथ में इसको भी मिक्स कर दिया है। और अब हम इसमें डालेंगे पनीर के टुकड़े। आप चाहें तो इसकी जगह टोफू डाल सकते हैं, मेरे पास टोफू नहीं था इसलिए मैं पनीर के टुकड़े डाल रही हूँ, राइट। और इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ में अब हम इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स और साथ में हम डालेंगे ब्लैक पेपर, ये देखिए काली मिर्च पाउडर, और अब हम इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे फेनल पाउडर यानी कि सौंफ का पाउडर। तो चलिए हम सौंफ का पाउडर भी डाल देते हैं इस तरीके से।
ये सारी चीज़ें वेट लॉस से रिलेटेड होती हैं और इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स एक बार मेरे कहने पे ज़रूर बनाइएगा। साथ में अब हम इसमें डाल रहे हैं नमक स्वाद अनुसार। वैसे तो नमक इसमें बहुत ही कम डालता है। साथ में मैं डाल रही हूँ इसमें दालचीनी पाउडर और इन्हें भी अच्छे से मिक्स करेंगे। बट इसके पहले हम इसमें डालेंगे कोरिएंडर पाउडर, ठीक है, और कोरिएंडर पाउडर के साथ हम डालेंगे इसमें जीरा पाउडर। कोरिएंडर पाउडर मेरा बहुत फेवरेट पाउडर है, मैं हर चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा कोरिएंडर खाना पसंद करती हूँ। तो अब हम इन सबको ना अच्छे से मिक्स करेंगे, लेकिन इसके पहले अब हम इसमें डालेंगे सिसमे सीड्स यानी कि तिल। ये सफ़ेद तिल जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं वेट लॉस में। तो ये भी मैंने कुछ इस तरीके से डाल दिया। इसको डालते देखिए सब्जी कितनी सुंदर लगने लगी है ना। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों इन्हें अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसे 2 मिनट के लिए ढक करके कुक कर लेंगे यानी कि पका लेंगे हल्का सा स्टीम में। और है ना ये पहले मैं डाल देती इसमें धनिया, तो ये मैंने धनिया डाल दी है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप मिक्स करने के बाद इसे 2 मिनट हम ढक के रख देंगे और अब हम खोल के देखते हैं तो ये हमारी सारी वेजीज अच्छे से कुक हो चुकी हैं। तो चलिए इन्हें हम निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स ये हमारी सब्जी बनकर के रेडी हो गई है। इसे आप डेली रात में एज अ डिनर ले सकते हैं और इसे जब आप डेली खाएंगे ना तो आपका वेट लॉस बहुत जल्दी रिड्यूस होगा। तो फ्रेंड्स आपको हमारी बनाई हुई ये वेजीज़ कैसी लगी और अगर पसंद आती है ना तो आप हमारे चैनल को करिएगा फ्री में सब्सक्राइब, वीडियो को करिएगा लाइक कमेंट और शेयर, और हाँ बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय।